हरिओम फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा जी के लिए देखिए इस तरह का नेटिंग पोंचू बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये मैंने अपने साईं बाबा जी के लिए बनाया हुआ है। और देखिए, एक मैंने ये रेड कलर में बनाया है, न्यू ईयर स्पेशल। ये देखिए इस तरह का, तो आप न्यू ईयर स्पेशल इस तरह का साईं बाबा जी का पोंचू बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंपल है बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस शुरू करते हैं साईं बाबा जी के लिए बनानी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे हरिओम निटिंग चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए थे उसे लाइक भी जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, जो साईं बाबा जी के लिए इस तरह की ड्रेसेस बनाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये ड्रेस बनाई है। इसको आप यहाँ पीछे से देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिच बटन लगा सकते हैं, या इसे आप वेलक्रो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सुई धागे से सील भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये फ्रंट वाला साइड हमारी ये होगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना साइज बनाने के लिए देखिए मैंने ये पोंचू जो बनाया है, ये देखिए ये 4 इंच का पोंचू है, ये देखिए 4 इंच का पोंचू बना हुआ है ये। तो चलिए इस तरह का पोंचू बनाना शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप इस पोंचू को लड्डू गोपाल जी को भी बना सकते हो। ये पोंचू 5 नंबर के साइज को बिल्कुल सही आएगा। और अगर आपको यहाँ से गला थोड़ा सा टाइट होता है तो यहाँ से सिलते समय आप थोड़ा ओपन रख लें और यहाँ पर स्टिच बटन लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे साईं बाबा जी और लड्डू गोपाल दोनों के लिए इस तरह का ये पोंचू बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पोंचू शुरू करने के लिए यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हैं और 2 रो को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस रो को भी हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से अपनी ओर तरफ से। ये देखिए इस तरह से, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 10 नंबर की नीडल ली है। आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग नीडल ले सकते हैं। तो ये देखिए इस रो को मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लूँगी। जैसा कि मैंने नीचे ये 2 रो उल्टे उल्टे फंदों की बनाई है, उसी तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये उल्टी रो है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अपने इस कलर को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ, तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कलर को नोट लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर की उल्टी रो को पूरा कंप्लीट इस तरह से उल्टा बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा पोंचू बनना शुरू होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रो को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहली जो ये वाला हमारा फंदा है, इसको हम इसी तरह से स्लिप कर लेंगे। ठीक है, और फिर धागे को आगे करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे इस तरह से उल्टे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम फंदे को इस तरह धागे को इस तरह से पीछे करेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फंदे बना लिए और नेक्स्ट वाले फंदे को हम इस तरह से धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए जाली बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमने क्या करना है, जितने भी हमने भी फंदे लिए हुए हैं उसका हमने हाफ कर लेना है और 2 फंदों को हमने बीच में सेंटर में अपनी दूसरी जो जाली बनानी है उसके लिए रख लेना है। और यहाँ पर मेरे जो फंदे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, वो मैंने 22 ले रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 22 लिए हुए हैं, तो जो हमारा यहाँ से 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए यहाँ पे 10 फंदे हमने छोड़ दिए। ठीक है, इधर से भी हमको 10 फंदे छोड़ देने हैं और फिर ये हमारा बीच वाले 2 फंदे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ पर जो हमने ये फंदे बना लिए, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, जैसे एक स्लिप करेंगे, 2 को हम उल्टा बनाएंगे, फिर हम 2 को सीधा बनाएंगे और एक यहाँ पर जाली बनाएंगे। और अब हमने इसको सीधा बनाना है इस तरह से।
ये देखिए, अब हमने यहाँ पे दो दो चार छः दो आठ दस और ग्यारह, और अब ये हमारे देखिए यहाँ पे ग्यारह आ गए और यहाँ पे हमने दस छोड़ने हैं, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, और ये हमारे बीच वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्यारह इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक जाली बनाई, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने दस इसलिए यहाँ पर कोई जाली नहीं बनाई, तो अब आगे हम बनाएंगे। अब जो हमारे ये दो बीच वाले फंदे हैं उन फंदों में हमने क्या करना है, जाली बनानी है। तो इस तरह से धागे को आगे करेंगे और एक जाली बना लेंगे, फिर हम धागे को आगे करेंगे और एक जाली और बना लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो जाली होगी, ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से आगे सीधा बनाते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लास्ट के फाइव फंदे देख लेने हैं, दो दो चार और एक ये पांच, ठीक है, यहाँ तक ये देखिए पांच फंदे हमने छोड़े। अब इस फंदे पर हमने जाली बनानी है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमने सीधा बनाना है और बाकी जो हमारे ये तीन फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाते जाएंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमको ये रो कंप्लीट कर लेनी है और नेक्स्ट रो को हमने कंप्लीट उल्टा बना लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो उल्टी रो में हमने इसमें कुछ भी नहीं करना और इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट रो में बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रो हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट रो में हम फर्स्ट फंदे को इसी तरह से देखिए स्लिप कर लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट में ये दो फंदे को हमने उल्टा बनाना है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से उल्टा बनाया, फिर हमने दो फंदों को सीधा बनाना है और फिर हमने जाली बनानी है, धागे को आगे करना है और इस तरह से ये जाली बना लेनी है और नेक्स्ट जाली तक हमें इसे सीधा ही बनाते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमको सीधा बना लेना है। ये हमारी जाली वाला फंदा आ गया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये दो जाली बनेंगी और इसका ये बीच वाला फंदा आपको थोड़ा सा देखिए उभरा हुआ दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जाली बनानी है। तो इस तरह से हम अब वूल को आगे कर लेंगे और ये जाली बना लेंगे, एक जाली हमने बनाई, यहाँ पर हमने दो फंदों में इकट्ठी जाली बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे नेक्स्ट में हम सीधा बनाते जाएंगे इसी तरह से नेक्स्ट जाली तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ जाली तक हमने सीधा बना लिया और हमारे ये फाइव फंदे हैं, तो ये जो फाइव वाला फंदा है यहाँ पर हमने जाली बनानी है, धागे को आगे करेंगे और इस तरह से जाली बना लेंगे। तो दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट वाले तीन फंदे हम ये देखिए इस तरह से उल्टे बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट रो पूरी उल्टे बनानी है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने उल्टी रो को उल्टा बना लेना है, तो मैं ये रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो हमने आगे ये धारी बनानी है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों उल्टे उल्टे फंदों की धारी बनाई है इस पोंचू में, और इस पोंचू में मैंने देखिए सीधे सीधे फंदों की धारी बनाई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप की इच्छा है आप सीधे बनाएं या आप उल्टे उल्टे, तो मैं आपको उल्टे उल्टे फंदों वाली रो में डिज़ाइन बताऊंगी और बनाना सेम ही है, वो आपकी इच्छा है उल्टे फंदों की रो में बनाएं या सीधे की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार पाँच छः रो हमने इस कलर की बना ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने उल्टी रो पर आएंगे, तो यहाँ पर हम वाइट कलर को लगा लेंगे, तो इधर से हम ये वाइट कलर ले लेंगे, ये देखिए इस कलर को भी हमने सीधा उल्टा ही बनाते जाना है इस तरह से। तो
जो हमारे देखिए जाली वाले फंदे आते हैं उनको भी ध्यान से बनाएं, उनको स्लिप ना करें बीच में, जो हमारा थोड़ा सा एक फंदा ढीला होता है ना, ये देखिए जैसे ये ढीला आ गया, इसको स्लिप नहीं करना, इसको भी इसी तरह से बुनते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं ये रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उल्टी रो को उल्टा उल्टा करके बना लिया है, और अब हमने नेक्स्ट रो जो है बनानी है, ये मैं उल्टे फंदों की बना रही हूँ। ये देखिए, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे यहाँ से, ठीक है, और देखिए दूसरे फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, फिर हम ये दो सीधे बनाएंगे, देखिए, और इसके बाद हम धागे को आगे करेंगे। देखिए ये हमने उल्टे बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब हमने धागे को आगे किया और इसमें हम जाली बना लेंगे। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, बस जब हम यहाँ पर देखिए दो सीधे बनाए हुए हैं, तो उधर से हमें धागा पलटना पड़ता था और अब हमने इधर से पलटा है, और जाली हमने ऐसे ही बना लेनी है, ठीक है। और अब बाकी सब फंदों को फिर हम ये देखिए उल्टा बनाना है, तो धागे को फिर आगे कर लेंगे, और यहाँ पर जहाँ तक हमारी जाली है वहाँ तक मैं इसको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जाली वाला फंदा आ गया है, और ये धागा अब हमारी तरफ है इस तरफ, लेकिन अब हमने इसको इस तरफ कर लेना है क्योंकि हमने जाली बनानी है, सॉरी इसी तरफ ही रखेंगे, और जाली को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक जाली बना ली हमने, अब धागे को फिर आगे कर लेंगे और एक जाली और बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम धागे को आगे कर लेंगे और सारे फंदों को इसी तरह से बनाते जाएंगे उल्टा उल्टा। तो इसको हम यहाँ पर जाली तक बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम जैसे हमने पीछे किया है, जैसे उल्टा फंदा हमने बनाया है, तो धागा हमारी तरफ ही है, और इसको हम देखिए इस तरह से करेंगे। इसमें हमने ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये जो लास्ट के फाइव फंदे हैं, फाइव फंदे देखिए, ये पांचवें फंदे पर ही हमें हमेशा जाली बनानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमने जाली बना ली, फिर एक फंदा सीधा बनाया, और बाकी के जो तीन फंदे हैं उनको हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। और फ्रेंड्स इसी बस ये हमारी जो बेसिक वाली सिलाई है यहाँ पर, ये वाली, इसी सिलाई को ही आगे हमें फॉलो करना होता है, इसी से हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं और हमारा पोंचू बन जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से यहाँ मैंने ये आपको चार सिलाइयाँ बनानी बताई, वही आगे हमें रिपीट करते जाना है, और इसी तरह से जब तक हमारी पोंचू की लंबाई नहीं आती तब तक हमें इसी तरह से बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी आपकी लंबाई कंप्लीट करके आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो लेंथ कंप्लीट की है, उसके बाद जो हमारे लास्ट वाली रो आएंगी वो हमने सारी उल्टी उल्टी बनानी है, और जो हमारा ये जाली बनी हुई है तो इसको हम अब जाली बनाना बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने ये देखिए चार रो इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों की बनाकर कंप्लीट कर रखे हैं, जो कि इस तरह से आपको दिखेंगी बनने के बाद। और अब हम इन फंदों को घटा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने फंदे बनाने हैं वो हमने इस तरह से, देखिए दो फंदों का मैंने एक किया, फिर हम इस फंदे को यहाँ पर कर लेंगे, और फिर हम दो फंदों को इस तरह से एक कर लेंगे। तो ढीले ढीले हाथों से हमने ये फंदों को कटाना है। ये देखिए इस तरह से जो हमने धागे को है बिल्कुल थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। तो इसी तरह से अब इन फंदों को घटाते हुए अपनी हम रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दो फंदों को एक बार ले लेंगे और इस तरह से बुनते हुए इन्हें कंप्लीट करेंगे। बस फ्रेंड्स इतना सा ही है, बहुत ही आसान है और ईजी है इस पोंचू को बनाना। तो देखिए मैं इसको पूरा घटाकर आपको पोंचू दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट बनने के बाद हमारा पोंचू इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि मैंने, देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर उभरी हुई लाइन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छी ये भी लगती है, जो आपकी इच्छा हो बना ले फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारा पोंचू बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स अगर आपको बड़ा पोंचू बनाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने 22 फंदे लिए हैं, तो आप इसमें 24, 26 भी ले सकते हैं, उस अपने जो
बनाना चाहते हैं, अगर बड़ा पोंचो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप आधे एक फंदे लेकर उसको इसी तरह से डिवाइड करें जैसा मैंने इसमें आपको डिवाइड करना बताया है। जैसे आप सेंटर में दो फंदे रख लें और बाकी जो फंदे होते हैं उनको हम आधा आधा इस तरफ से डिवाइड कर देते हैं। इस फ्रेंड्स जो मैंने आपको यहाँ पे फिफ्थ रो बताई है वही इसकी बेसिक रो है, उसे आप अच्छे से समझ लें, बाकी आपको अपने आप ही बनाना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।